नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूरेका फोर्ब्स के इस एक वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर है लो बजट एंड में आपके पर्सनल यूज़ घर के लिए, और आप कार वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके इंटीरियर के सफाई के लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होती है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे ही इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये हमें कुछ यूज़र मैनुअल मिलते हैं जिसमें वारंटी कार्ड और इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे असेंबल डिसअसेंबल करना है, कौन से पार्ट्स का क्या यूज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस इस बुकलेट्स में इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा कुछ ऐसा दिखने का है ये। इसको जस्ट आप ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या कंटेंट है और किस तरह से इसको यूज़ करना है वो यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। बाय द वे, मैं इस वीडियो में आपको ये किस अटैचमेंट का किस तरह से लगाना है और कैसे यूज़ करना है वो ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। ये है कुछ कंटेंट जो कि ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। ये एक लंबा है एक्सटेंशन जो कि आप क्लीनर से दूर वाली चीज़ों को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम करने के लिए। इसमें दो पार्ट होते हैं, मतलब अगला और पिछला दो पार्ट होता है। एक्सटेंशन है, आप लंबा एक्सटेंशन वाइप करते हैं फ्लोर का, जब आप क्लीनिंग करते हैं, जब पोंछ देते हैं पानी से, तो वो पानी को वाइप अप करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं इससे, और वो एक्सटेंशन इसमें लगा करके आप इसको वाइप आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है और इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटेंशन लगा करके, जो कि आप खड़े खड़े यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको एक्सटेंशन लगा के खड़े होकर के यूज़ कर सकते हैं। और इस वैक्यूम क्लीनर की खास बात ये भी है कि इसको आप इसमें आगे चल के मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या इसमें है। एक हैंगर होता है जिसको हैंग करके आप इसको कंधे पे हैंग करके और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका वायर जो है एक्सटेंशन वायर जो कि आप मेन पावर प्लग से कनेक्ट करते हैं, वो भी काफ़ी लंबा है, तो काफ़ी दूर तक इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। ये कुछ एक्सटेंशंस आपको मिलते हैं, और ये है मेन यूनिट। इस मेन यूनिट का मेन काम होता है जो कि ब्लोअर और वैक्यूम क्लीन करने के काम में आता है। इसका आगे के तरफ वैक्यूम क्लीनर के तरफ यूज़ होता है और पीछे के तरफ ब्लोअर के तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए वायर, काफ़ी लंबा वायर है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ऊपर की तरफ ऑन और ऑफ, ये बटन जो है ऑन और ऑफ का काम करता है। ये जो हो जाता है ये ब्लोअर का काम करता है, इससे आप ब्लो कर सकते हैं जो डस्ट वगैरह जो पड़ा हुआ है उसको फूकने के लिए, बैलून्स फुलाने के लिए भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको प्रेस करके कैसे खोलना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ऐसे आप इसको खोल सकते हैं, जो भी वैक्यूम कर लेता है या अंदर की तरफ जो लेता है, तो आप यहाँ से उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पे आकर के जमा होता है, इसको आप फेंक सकते हैं आप अपने डस्टबिन में, और इसका इसको आप क्लीन भी कर सकते हैं। ये एक कपड़े टाइप का ही बना होता है, तो उसको आप क्लीन भी कर सकते हैं, जिस तरह से वाटर फिल्टर्स में होता है ना, बड़ा वाला पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए, तो उसी तरह का। तो उसको आप धो करके सुखा करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। रीयूज़ तो है होना ही है खास करके, लेकिन जब अगर गंदा हो जाता है उस टाइम पे आप इसको साफ़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये खुल जाने के बाद इसको आप वापस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है, आप इस तरह से नीचे को पहले कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऊपर वाला एडजस्ट कर देना है वो बटन प्रेस करके, और उसके बाद नॉक की आवाज़ आएगी तो वो लॉक हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये लॉक हो चुका है। ये है लंबा वाला एक्सटेंशन जो कि आप इस तरह से लगाते हैं,
ये सामने की तरफ वैक्यूम क्लीन करने के लिए अंदर की तरफ प्रेस करते हैं और ये लंबा वाला पार्ट हो जाता है। इसमें आप डायरेक्ट क्लीन कर सकते हैं अगर बड़ा कुछ आपको कुछ क्लीन करना है, और ये छोटे छोटे अंदर के पार्टिकल्स को क्लीन करना है अगर मतलब कोने वाली जगहों को क्लीन करने के लिए छोटा वाला ये एक्सटेंशन यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्का और स्लो के लिए वो रेगुलेटर आपको दिया हुआ है जो कि मैंने बताया आपको। ये हो गया एक ब्रश वाला लंबा बड़ा सा, जिससे आप सोफ़ा का या फिर आपकी कार के सीट का क्लीनिंग भी कर सकते हैं इससे। और ये है कैरी करने के लिए, इसको आप सामने और पिछले भाग में जस्ट लगा देते हैं। देखिए इस तरह से ये सामने वाले पार्ट में एक जगह है, उसको लगा दे रहे हैं, और पिछले वाले पार्ट पे हैंडल पे ये लगा दिए। और लगा देने के बाद एक आप हैंग कर सकते हैं अपने कंधे पे या फिर किसी जगह पे, एक्सटेंशन को लंबा तो है ही आपका, तो किसी जगह पे हैंग भी कर सकते हैं या साथ में हैंग करके यूज़ करके कर सकते हैं। इस तरह से ये हैंग हो जाता है। ये सामने वाला पार्ट कैसे खोलना है मैंने आपको बताया था, तो उसको खोल करके क्लीनिंग के लिए, जब आपने क्लीन कर लिया उस टाइम पे इसको। और जब ब्लोअर यूज़ करते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ ये पिछला अगला वाला भाग जो है इसका वैक्यूम क्लीनर का, उसको खोल करके इस्तेमाल करें तो अच्छा होता है। ये हो गया पीछे वाला भाग जो कि ब्लोअर है, इसको आप जस्ट अंदर की तरफ डालेंगे, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा टिल्ट करके, इस जगह पे थोड़ा सा अंदर जा करके आपको घुमाना है और एक नॉक का आवाज़ आएगा, ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपका इसमें जो तरह तरह के एक्सटेंशंस हैं उस एक्सटेंशंस को लगा करके जस्ट ब्लो कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सटेंशन आप जस्ट सेम टाइप के हैं, बड़ा छोटा, और जस्ट आपको इसमें प्रेस करके अंदर की तरफ लगा देना है। लगा देने के बाद ये सामने वाला भाग हो गया, इसमें आप जिस तरह का लगा सकते हैं, छोटा वाला है पतला ब्लोअर, ये हवा फेंकेगा पतले आवाज़ में, और यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं कम या ज़्यादा हवा। देखिए मैं कुछ ब्लोअर का यूज़ करके आप दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ पत्ते मैंने फेंक के रखे हैं और इसको अच्छा खासा इसमें आपको प्रेशर मिलता है, ब्लोअर में अच्छा खासा प्रेशर है। ऑन करते हैं ये पत्ता, कहाँ उसे चला जाएगा पता भी नहीं चलता, पत्ता का पता भी नहीं चलता। देखिए वो ऑन करते हैं, उसे चला जा चुका है, रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया। और मैं छोटा सा एक ये छोटा सा एक इसको भी, ये भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ये भी चला गया। ब्लोअर बहुत ही शानदार है, पावर इसमें बहुत है, एक है पावर तो बहुत अच्छा खासा है ही, लेकिन एक है कि थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है कंटिन्यूस यूज़ करने पे। ये है, आप ऑन करके क्लीन कर सकते हैं जैसे भी कोने का, ये जैसे कि खिड़की का है ड्रॉयर, इसका भी आप क्लीन कर सकते हैं, ब्लोअर से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपका वैक्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का भी यूज़ करना चाहें। अब मैं देखता हूँ कुछ ये चावल वैक्यूम करता हूँ अंदर में खींचने का, तो देखिए कितना स्पीड से ये अंदर की तरफ खींच लेता है चावल को, और ये चावल जो है अंदर में जा करके जमा हो जाता है। इसका जो मैंने पार्ट बताया जिसको खोल के कब क्लीन कर सकते हैं, ये सामने वाले फ्रंट वाले भाग में जमा हो जाता है। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से जमा हो जाता है। ये ओपन कर लिया आपने, ओपन कर लेने के बाद ये सामने वाला पार्ट है जो कि फिल्टर जैसा पार्ट है, इसको जस्ट निकालेंगे आप तो वो नीचे पड़ा है, जस्ट खोल लेते हैं इसको। ये खोल लेने के बाद ये चावल इसके अंदर ये देख सकते हैं आप। दोस्तों ऐसा करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब।